ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं विसी और आप देख रहे हैं बोर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले निफ्टी के बारे में। निफ्टी के आगे आने वाले दिनों में कौन से इसके सपोर्ट होंगे, कौन से इसके रेजिस्टेंस होंगे, सो ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते, और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो अब हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो पहले हम इधर देख लेते हैं कि इसके क्या है कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से होंगे। तो पहले हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो जब हम रेजिस्टेंस देखते हैं तो पहला आता है कि आप चार्ट में देखो कि पीछे ये कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस ले चुका था। तो अगर मैं चार्ट में देख रहा हूँ तो मेरे को एक लेवल दिख रहा है जो हाल फिलहाल उसके पास ही है, वो लेवल है 10,000 का लेवल। देखो मैं इसको एक बार ड्रॉ कर देता हूँ सो आपको और बेटर आइडिया आए। देखो ये लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। देखो इस पे एक बार इधर सपोर्ट लेके ये ऊपर गया था, बाद में नीचे आया, एक बार इधर ये सपोर्ट लेके ऊपर गया था, बाद में फिर से नीचे आया, और एक बार इधर ये सपोर्ट लेके ऊपर गया था। तो हमारे लिए ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है, जो होगा 10,000 का लेवल। ये थोड़ा क्या है कि ऊपर नीचे होगा, लेकिन आप जब एग्जिट देखोगे तो वो 10,000 के आसपास आ रहा है। तो जो हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा वो 10,000 का लेवल होगा। क्यों? क्योंकि पास्ट में ये क्या है उस पे सपोर्ट ले चुका था, तो अभी वही सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकते। तो अभी हम इसमें फिबोनाची लेवल लगा के देख लेते कौन से इसके सपोर्ट, ये कौन से इसके रेजिस्टेंस की तरह ये वर्क कर सकता है आगे आने वाले दिनों में। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं एक बार फिबोनाची लेवल लगा लेता हूँ। तो अभी हमने इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया है। तो आप देख रहे हो जो 50% का रिट्रेसमेंट है वो अभी 10,000 के आसपास ही आ रहा है। देखो इधर आप, तो मेरे लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आगे इसने क्या किया था, सपोर्ट ले चुका था उसी लेवल पे, और उसी लेवल के आसपास आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल रहा। तो जो हमारे लिए 10,000 का लेवल है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर ये इन फ्यूचर इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया तो जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो होगा 10,550 का लेवल। ये क्यों? क्योंकि इसके बाद जो हमारा रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 61.80, वो आ रहा है 10,550 पे। सो इसीलिए ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। अभी हम इसमें एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा देते हैं और इसमें हम फिबोनाची एक्सटेंडेड देखेंगे। सो हमें इसमें से पता चलेगा कौन से एक्सटेंडेड लेवल है जहाँ से हमें क्या है कि इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल सकते हैं। तो अभी मैंने इसमें फिबोनाची एक्सटेंडेड लेवल लगा दिए। तो पहले इसमें मैंने ड्रॉ कहाँ से कहाँ किया है, तो मैंने ये लो से लेके ये ब्लैक कलर की कैंडल के हाई के ऊपर मैंने इसको ड्रॉ किया है। बाद में हम देखेंगे कि उसके ऊपर के क्या रेजिस्टेंस हो सकते हैं, मतलब ये कितना ऊपर जा सकता है। तो अभी हम इसमें भी देख रहे, तो 61.80 का रेशियो जो आ रहा है वो 10,000 के आसपास ही आ रहा है। सो ये एक और है कि आपको तीन ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं टेक्निकली जो आपको 10,000 का लेवल क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता हुआ दिखेगा। अभी हम क्या है कि थोड़ा आपको बाद में हम क्या है कि ऑप्शन चेन एनालिसिस पे भी बता देंगे कि 10,000 के लेवल पे क्या है इसकी ओआई बिल्डअप है, सो आपको और ज्यादा बेटर आइडिया आए। तो अभी हमारा जो मेन रेजिस्टेंस निकल रहा है वो हाल फिलहाल के लिए 10,000 का लेवल निकल रहा है। अगर उसके ऊपर मेरे को चाहिए तो 10,550 का लेवल होगा, वो मेरा सेकंड रेजिस्टेंस होगा। अभी हम क्या है कि इसके सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला सपोर्ट होगा वो होगा 9400 का लेवल, जो ये एक्सटेंडेड में आपको 23% का रेशियो दिखा रहा है। इन फ्यूचर अगर ये चार्ट आपका नीचे आता है और 9400 से कोई अपसाइड जाने का साइन देता है तब आप वहां से बुलिश साइन ले सकते हो। अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया तो जो ये ब्लैक कलर की कैंडल का आज जो भी आई है वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है, जो आ रहा है 9050 के आसपास। तो मतलब हम इसको एक जोन की तरह लेंगे 9000 से लेकर 9050 का लेवल। तो ये इसके बीच में जाके कोई रिवर्सल साइन देता है अपसाइड का तब हम वहां से एक अपसाइड मान सकते हैं। तो ये हो गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पे। तो एक बार हम क्या कि ओआई बिल्डअप भी देख लेते कि 10,000 पे कितनी ओआई बिल्डअप है, सो आपको और एक बेटर आइडिया है। तो मैं इसको एनएससी के ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर लेके जाता हूँ। तो आप देखिए, जब आप एनएससी के ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर आओगे तो हाल फिलहाल जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसमें आपको 10,000 के लेवल पे 10,00,000 की ओआई बिल्डअप दिख रही है, और मेन बात है कि 6,00,000 तो अभी एड हुई है आज के दिन।
तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सबसे ज्यादा वाई बिल्डअप 10,000 के लेवल के ऊपर है, तो जो हमारा 10,000 का लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है। तो आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि 10,000 के लेवल के आसपास कोई बियरनेस हमें मिलती है तब हम वहां से सेल करेंगे। ऐसा ही नहीं होता कि जैसे ही वो 10,000 के लेवल के पास पहुंचा तो हम सीधा ही सेल कर दे, वहां हमें कोई रिवर्सल साइन मिलता है तब हम सेल करते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा एनालिसिस निफ्टी के ऊपर। तो इसमें जो हमारे सपोर्ट होंगे वो कौन से होंगे, तो 9400 जो पहला सपोर्ट होगा, दूसरा सपोर्ट होगा वो 9000 से लेके 9050 तक रहेगा। हम इसमें रेजिस्टेंस की बात करें जो मेन है वो आपका 10,000 का लेवल है, अगर ये इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो 10,550 का लेवल है वो आपको सेकंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज यारो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कॉमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।